जी यहाँ पे जो है ना, मैं बीफ का कीमा बॉयल होने चढ़ा रही हूँ। 1 किलो कीमा है ये, इसमें मैं साबुत कुछ लहसुन की जगह डालूंगी, इसके अलावा शान का अदरक पाउडर डालूंगी मैं इसमें, और उसको बॉयल होने के लिए जो है ना रखेंगे। ये कीमा जो है ना यहाँ मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है लहसुन अदरक पाउडर डाल के। इसके बाद इसमें थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें जाएंगी, और 2-4 दालचीनी के टुकड़े और लौंग ये जाएंगे, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, कीमे को ना बॉईल होने रख रही हूँ मैं, हल्दी जाएगी और ये लाल मिर्च पाउडर। इसको बॉईल होने रखेंगे हम। मसाले डालने के बाद ये 2 पटना मिर्च भी मैं इसमें साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, और अब हल्की आंच पे जो है इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमे को हो जाएगा बॉईल तो फिर मसाला वगैरह भूनेंगे इसका। जौ का दलिया मैंने बनाया था ना, उसमें थोड़ा सा देखिए अभी मैंने गरम किया है, और इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है, इसमें मैंने फ्राइड अनियन जो होती है ना रेडीमेड वो ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर, और बस यही ऐड किया है। अभी इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करने लगी हूँ मैं थोड़ा सा, बिल्कुल ये ना हलीम का टेस्ट देगा। अभी मैं सोच रही हूँ गरम मसाला और ब्राउन प्याज, फ्राइड ब्राउन प्याज तो मैंने इसमें ऐड की है, इसके बाद मैं इसमें ऑलिव ऑयल जो है ये ऐड करने लगी, ठीक है। और सोच रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दूँ, फुल चटपटा हलीम का टेस्ट आएगा। ये देखें दही बड़ा मसाला भी अब मैं इस पर ऐड कर, इस तरीके से आप ओट मील बना के खाएं, उफ आपको लगेगा हलीम खा रहे हैं, फील ही नहीं आएगी कि भाई। और ये थोड़ा सा जो है ना स्टेक सॉस पड़ी हुई है, ये मैं ये भी इस पर ऐड कर लूँगी, फुल चटपटा जो है ना ये ओट मील की हलीम तैयार है। और यही मेरा डिनर है भाई आज रात का। थोड़ी बात सुन्नत करीमा है ओट मील जो है खाना जी। ये रहा मेरा डिनर। ये मुमताज़ बाजी मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बना के गई थी, फ्रेश है एकदम, और चपाती है, जौ का दलिया है, और चपाती के साथ जो है ये मैंने टमाटर की चटनी बना के पका के रखी थी वो है, ये मैं खाऊंगी इसके साथ टमाटर की चटनी। कि प्रीवियस पीछे पिछले व्लॉग्स में आप देखें ही मिल जाएगी इसकी रेसिपी टमाटर की चटनी की आपको। और चिकन नगेट्स मैंने अपने बेटे के लिए फ्राई किए हैं, तो हम लोग अब करने लगे हैं मज़ेदार सा अपना डिनर। ये इसमें मैंने गरम मसाला और काली मिर्च छिड़की है जौ के दलिए पे, और ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये रहा जी मेरा डिनर। रमज़ान की ग्रॉसरी करके थक हार के मैं भी घर आ चुकी हूँ, और अब जो है ना मैं पीने लगी हूँ चाय, क्योंकि खुद ड्राइव करके जाना, सौदा लेना, फिर बच्चे को स्कूल से पिक करना, फिर घर आना, मतलब कि तसलसल से आप जो है ना काम काम और काम करके अभी तो चाय के बगैर तो मैं गिरने वाली हो रही हूँ। फ्रोज़न आइटम मैंने फ्रीज़र में रखे हैं, बाकी चीज़ें सौदा भी मैंने नहीं समेटा। मुमताज़ बाजी आएंगी तो उनके साथ मिलके फिर जो है मैं सौदा समेटूँगी। अभी फ़िलहाल शदीद सिर्फ 1 कप चाय मुझे नज़र आ रहा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मिलते हैं चाय के ब्रेक के बाद। जी रमज़ान की ग्रॉसरी मैंने कर ली है इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर से, और वहाँ से जो है फ़िलहाल बाकी आइटम मैं बाद में दिखाती हूँ। ये वो आइटम है जो फ्रोज़न आइटम है, आलू के समोसे मैंने बना दिए थे, अब ये मैं जो है ना स्प्रिंग रोल और कीमे के समोसे के लिए फ्रोज़न आइटम है, इसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें दिखाऊँगी आपको। ये सिर्फ अभी मैं फ्रीज़र वाला आइटम आपको दिखा रही हूँ। ये तो प्याज वेजिटेबल्स के साथ ही दिखाऊँगी, हरी प्याज मैंने ब्लू बैंड का लिया है एक ये पैक, और 2 समोसा पट्टी शीट ली है, 1 रोल पट्टी ली है, और 3 जो हैं ये डीन्स की जो है ना मैंने चाडर चीज़ ली है, और 1 ऑल्पर की ली है चाडर चीज़। तो ये 4 चीज़ के पैकेट मैंने जो हैं ये लिए हैं, कीमा लिया है, हड्डी वाली चिकन ली है, ये तो फिर और मज़ीद आ जाएगा गोश्त, ठीक है। तो ये अभी फ्रोज़न आइटम है, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और जो मैंने सर्फ साबुन मैदा चीनी वगैरह लिया है वो नेक्स्ट क्लिप में। हाँ रख दें, सौदा लेके आई हूँ ना तो वो सारा जो है डिग्गी में पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ग्रॉसरी है। ये देखिए तमाम तर ग्रॉसरी है रमज़ान की, अभी अगली सीट पे भी पड़ी है और ये डिग्गी में पड़ी है।
ये देखें मुमताज दाजी बैठती है, चेक कर रही है, इतना सारा सौदा है फ्रोजन आइटम्स के अलावा। ये सारा सौदा जो है ना रमज़ान ग्रॉसरी है। एज़ यू कैन सी, मैं अब डिटेल में नहीं जा सकती कि फिर मैं थक जाऊंगी। ये देखें आप, ये इतने सारे क्लीनर्स वगैरह सब कुछ, इंसेक्ट क्लीनर। मुमताज दाजी को पतीली पसंद आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये एस्टॉनिश का भी ले लिया मैंने, ग्रीस क्लीनर, ये हैंड वॉश, काफ़ी सौदा है, ये वो ग्लिंट, काफ़ी सारा सौदा है। ये ऑलमोस्ट जो है ना काफ़ी सौदा है। दूध के दो कॉटन हैं, तरंग मिल्क के। हंडिया दिखाओ भाई, जो मैं हंडिया लेके आई हूँ रमज़ान के लिए, प्यारी है ना, वेटेड है ना। एक ये नई हंडिया भी खरीदी है, टब खरीदा है, हाँ वजनी है ना, और क्यूट कितनी है ना हैंडल्स वाली, प्यारी सी। काफ़ी सौदा है, ये भी सौदा है। एज यू कैन सी के काफ़ी सौदा है। हाँ इधर भी ऑयल, ये वो तुम्हारे लिए लाई हूँ ना, वो जो तुम हाथ वाले कपड़े धोती हो ना उसके लिए लेके आई हूँ, कि तुम्हें प्रॉब्लम होती है उसमें। अब मुमताज़ और मैं जो है ना, दो दिन तो लगेंगे हमें ये सौदा। टब भी नया, इसमें बड़ा भी था, वो भी ले आऊँगी अभी। आज मुझे थोड़ा समझ नहीं आया तो मैंने छोटा ले लिया, एक इसी में क्रिस्टल में बड़ा भी लूँगी मैं, ले लूँगी ना। अभी तो मून के बाद को स्कूल छोड़ के गई थी मैं, सोचो जल्दी जल्दी बस मैंने जो है ना ये सौदा, काफ़ी सारा सौदा है। एज़ यू कैन सी, ये देखें कैमरे में आ नहीं रहा पूरा, ये देखें जी कितना सौदा है, ये बस सौदा ही सौदा है, ग्रॉसरी ग्रॉसरी है। अभी इसको जो है ना सेटल करना जगहों पे, ये भी एक कमाल की बात है। डिटेल में नहीं दे सकती कि मैं बहुत थक गई हूँ ग्रॉसरी करके। ये देखें ये सारे, इसमें भी स्पंज हैं, चीज़ें हैं, हेयर डाई, ये वो पता नहीं क्या क्या, बेबी पाउडर, इसमें मेरे बेटे के स्ट्रॉबेरी के वो हैं फ्लेवर लिक्विड वगैरह जिसको बोलते हैं। थकन कोल्ड ड्रिंक्स ले आना, ये इसके अंदर जल्दी छुपा दे, इसने देख लिया ना रुमान ने, फिर वो सारा दिन खोल खोल के कोल्ड ड्रिंक तबाह करता रहेगा, मैं तुझे बता दूँ। छुपा दे उसके इस दुश्मन के देखने से पहले, मेरे बेटे ने देख लिया ना सारा दिन, फिर वो तो बस फिर वो तो कहेगा मम्मा कोल्ड ड्रिंक, मम्मा कोल्ड ड्रिंक। और भी है ना, वो भी ले आओ। जामशीरी जो मैं लाई हूँ ना मेरे नाजरीन, वो मैं लाई हूँ डाइट जामशीरी लाई हूँ मैं, शुगर फ्री वाला। ये अगर नीचे वाले ड्रॉज में रख लो, हाँ नीचे वाला जो ड्रॉज है वहाँ स्पेस है, जो तीसरे नंबर वाला जहाँ बोतलें पड़ी हुई हैं, हाँ शॉपर से निकाल लो ना, ये फ्रिज में रख दो कि ये ख़राब हो जाएंगी, सिर्फ सब्जियाँ जो हैं। हाँ मुमताज़, वो जो पहले का कद्दू पड़ा हुआ है ना फ्रिज में, हाँ। मुझे वो निकाल के छील के आज काट दो चकोर चकोर, उसकी मैं भुजिया बना दूंगी, जो पहले वाला पौधे में ना तीन, ये ब्राउन शुगर के, वाइट शुगर भी लिए हैं, ब्राउन शुगर के पैकेट भी लिए हैं, दो खजूर के पैकेट लिए हैं। और अब जो है ना इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। ये वे देखें मैदा और बेसन, क्योंकि हमारे घर में ना कीड़ा पड़ जाता है बाहर चीज़ें रखो तो, अब ये बेसन मैदा मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, और ब्राउन शुगर भी जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, के बाहर कीड़ा चूटियाँ लग जाती हैं, हर घर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कितनी भी केयर कर लो पड़ी भी चीज़ को कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ कई जो है ना, कि खजूरें भी जो है मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं। ऑरेंजेस हम लोगों ने सिक्योर किए हैं, मटर सिक्योर किए हैं, ये जो सारा बेसन मैदा खजूरें मैंने फ्रीज़र में रख दी है। भाजी से ना यहाँ पर झाड़ू वाड़ू क्लीनिंग कर रही हैं, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने जो है ये कीमा, चिकन का कीमा लेके और पिज़्ज़ा की फिलिंग बनाई है शिमला मिर्च वगैरह ऐड करके, ठीक है। इसमें मैंने लहसुन, क्रश लहसुन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ऑरिगैनो पाउडर, शिमला मिर्च, ये सब ऐड किया है, टमाटो पेस्ट ऐड की है, और यहाँ ब्रेड के स्लाइस में जो है ना इसको मैं फिल करूँगी। फ्राइंग पैन मैंने चढ़ाया है, तो ये चीज़ के ना पिज़्ज़ा फिलिंग की ब्रेड्स बनाऊंगी मैं। यहाँ पे ना फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है ब्रेड को लाल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेड के पीस को जो है ना मैंने इस पे फ्राइंग पैन पे रख दिया है, ये पिज़्ज़ा तो उसमें बना के दे रही हूँ अपने बेटे को, और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे हम, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम ब्रेड के पीस को जो घी के ऊपर हमने बिछाया है या रखा है जो भी कह लें,
उसके ऊपर जो है हम ये फिलिंग जो है फैला देंगे, ठीक है। ये फिलिंग हम इस पर फैला देंगे पूरी पूरी, और फैलाने के बाद बच्चों का मैं ना लंच बॉक्स में उसको नई नई चीज़ें देती हूँ ताकि उसका दिल लगा रहे मेरे बेटे का, ठीक है। ये टोस्ट हो रहा है, इसके बाद कीमा और ये इसकी पिज़्ज़ा की फिलिंग के बाद ये मैंने जो है ये चैडर चीज़ का ब्लॉक ले लिया, ठीक है। इसको कटिंग करके जो है ना मैं इस पर ब्रेड को लगा दूँ चीज़ को, ठीक है जी। चीज़ के मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं और ये चीज़ के स्लाइसेस अब जो है हम ये इसके ऊपर यकसा तौर पे फैला देंगे, ठीक है। मेरे बेटे को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं, वो स्कूल में फिर लंच बॉक्स उसको मिलता है ना, आज भी डॉक्टर के पास मैं लेके गई थी तो कह रही थी इसका वेट नहीं बढ़ रहा आपके बच्चे का, ठीक है। ये हो गया, इसके ऊपर जो है ये ब्रेड का दूसरा स्लाइस हम इस तरीके से रख दें। अब जब अभी एक तरफ से थोड़ा सुख हो जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे और लंच बॉक्स में जो मैं अपने बेटे के रख दूँ। एक साइड से मुझे लग रहा है कि काफ़ी रेड हो गया है, तो इस टोस्ट को जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता पलट लेते हैं। कैमरा रख दूँ, रेड इतनी अच्छी लाल हो गई और चीज़ भी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो गई अंदर। दूसरी तरफ से भी रेड हो जाएगा तो बस फिर मैं ये नहीं, ये लंच बॉक्स जो है ना अपने बेटे का स्टैंड बाय रखा था, मैं ये टोस्ट इसमें रख दूँगी। फिलहाल जो है ना इसको कोशिश करके कटिंग कर लेते हैं, बाद में और सख्त हो जाएगा तो फिर बिल्कुल क्रंच आ जाएगा इसमें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना मम्मीज को नए नए आइडियाज सोचने पड़ते हैं कि अब क्या करें, अब क्या पका के दें कि हमारे बच्चे कुछ खा लें। सब मॉम्स जो है ना ऐसे क्रेजी होती हैं जैसे कि मैं हूँ, बस कुछ खा लें हमारे बच्चे, और बच्चे हैं कि खाने के चोर, कुछ खाते ही नहीं, पीछे पीछे लेके घूमें। बस मैं तो तार से टोस जो है ना ये देखिए चीज़ी तो मज़ेदार सा ये क्रंची टोस जो है ना बनके मैं आपको दिखाती हूँ तैयार हो गया है, जो कि मेरे बेटे के लंच बॉक्स में जाने वाला है। ये इतना गर्म हो रहा है पता नहीं मैं कैसे आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगी। ये देख फिलिंग देखें आप इसकी, तो ये जो है ना मेरे बेटे के लंच बॉक्स में चला गया है। इसकी फिलिंग आप चेक करें, क्या मज़ेदार फिलिंग है। चीज़, चिकन, शिमला मिर्च हो गए, ये देखें सैंडविच जो है ना अपने बेटे को मैंने दे दिया है लंच बॉक्स के लिए रख दिया उसके, और बाकी ये जो हाफ बच गया है ये जो है ना मैं अब उसको उसके प्लेटर में केचप के साथ रख के दूंगी तो बहुत ही शौक से खा लेगा। देखिए मैं उसके लिए लेके जाती हूँ, बहुत ही खुश हो जाएगा। मोहन मोहन ये देखो बेबी, मैं आपको क्या लेके आई। मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए और ये हेयर स्टाइल बनाया है मैंने, और देखिए जो डाई मैंने लॉरियल का लगाया ना उसका शेड आज आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए 7 नंबर लॉरियल, देखिए कितने प्यारे रिजल्ट्स हैं। और मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल आज बनाया है उनका, लुक जो है ना ज़रा चेंज करूँ और आई एम गोइंग टू ऑफिस। ये मेरा लॉन्ग का ड्रेस है, पंचों पर जो है ना मैं पूरी लुक दिखाती हूँ आपको। ये है जी मेरा फुल लॉन्ग ड्रेस, और इसके पांचों पे जो है ये बंचेस हैं गोल्ड कलर के, बॉर्डर ग्रीन कलर का ड्रेस है लॉन्ग का। गर्मियाँ आ चुकी हैं, पुराना ड्रेस है, पहले एक बार तो मैं पहन चुकी हूँ 12 अक्टूबर को, अब जो है दोबारा मैंने ये ड्रेस पहना है। ये इसके साथ दुपट्टा है बहुत ही प्यारा। अच्छा मुझे शेफून के मुकाबले में लॉन के दुपट्टे ज़्यादा पसंद हैं कि वो ठहरते हैं एटलीस्ट, शेफून के जो है ना वो खिसक जाते हैं।
मेरा बेटा आए हैं यहाँ पे जान ब्रोस पे। मेरे बेटे ने कह रहा था कि मैंने खाने हैं फ्राइड राइस और चिकन, तो मैंने कहा चलो बेटा उतरो। चलो हमने कहा हम लेके जो है आते हैं। भाई मेन्यू होगा, मेन्यू ला दो। मंगाया बेटा मैंने, मेरा बेटा कह रहा है कि मैंने जो है वो रोस्ट खाना है और फ्राइज खाने हैं, इसलिए मैं इसको जान रोस्ट पे लेके आई हूँ। शॉपिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे, मैंने अपने बेटे को भी ईद के शूज़ दिलाए। अभी जो हम लोग कुछ लंच का भी टाइम हो रहा है, कुछ खा पी के बस फिर घर जाएंगे। ऑफिस से मैंने काम ख़त्म कर लिया, क्लियर कर लिया, नॉर गोइंग बैक टू होम। कुछ खा पी लें फिर हम लोग घर जाएंगे। ये जो है ना एक ही रोस्ट कर दें क्वार्टर रोस्ट, और उसके साथ फ्राइज कर दें, और एक कोई भी डाइट कोल्ड ड्रिंक कर लें। ओके जी, मेरे बेटे के लिए हम लोगों ने ले लिया है ब्रोस्ट। जी ऑर्डर हमने ले लिया है, ब्रोस्ट लिया है हमने, ऑर्डर ब्रोस्ट का हम लिया, वेटिंग फॉर आर ऑर्डर। अब मेरा बेटा है, अब तुम खुश हो अपनी बात मनवा के हैं। जी हमारा ऑर्डर आ गया है, डाइट सेवन मंगाई है, जान ब्रोस्ट वालों का जो ये ब्रोस्ट है साथ फ्राइज इन्हें दी है, चटनी वगैरह स्टार्ट करो। ब्रेड नहीं खा रहे, ब्रेड पहले अलग कर केचप खोल दो, खाओ खाओ खा लो, फ्राइज खा लो। यहाँ पे जो है वो रात का खाना गर्म हो रहा है, तो मैंने ये कद्दू का सालन बनाया है, कद्दू की भुजिया गोल कद्दू की मज़ेदार सी, और माइक्रोवेव में जो है वो मेरे बेटे का जो है वो खाना गर्म हो रहा है। यहाँ पे ये पिज़्ज़ा सैंडविच और रोस्ट वगैरह था बचा खुचा, ये सब मैंने कहा खाओ, रिस्क ज़ाया नहीं करना। जी ये रहा हमारा डिनर, मैंने थोड़ा सा योगर्ट भी ले लिया था कद्दू की भुजिया के साथ, और ये रोस्ट वगैरह और सब ये पिज़्ज़ा वगैरह, और यहाँ मुमताज़ बाजी जो है वो हॉट पॉट में बेसन की रोटी, पराठा, चपातियाँ सब पका के गई हैं। तो मैं तो भी थोड़ी सी बेसन की रोटी ही ले लूँगी खाने के साथ, तो बेस्ट ऑप्शन यही है फिलहाल। चलते हैं जी डिनर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत सारी नेमतें। आ जाएं आप भी हमारे साथ डिनर करें।